हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं पोको की इस नई डिवाइस X5 Pro को। ये एक 5G डिवाइस है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में इस फोन से जुड़े 10 ऐसे सवालों के जवाब भी देने वाले हैं जो अक्सर आप पूछते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको जवाब नहीं दे पाते। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप उन सवालों को भी जान सके। और अब इस फोन पर आते हैं। इसकी दो खासियत की वजह से इसकी चर्चा हो रही है, एक तो इसका कैमरा और दूसरा इसकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। यहाँ बॉक्स के पीछे आपको इसके डिस्प्ले के बारे में लिखा नजर आ रहा है कि ये 120Hz का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है। 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। बाकी बातें बाद में करेंगे, तो जल्दी से बिना वक्त गंवाए इसके बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये हमने इसके बॉक्स को खोल लिया है और ये यहाँ पोको की ब्रांडिंग के साथ एक और बॉक्स नजर आ रहा है। अब इससे खोल लेते हैं। इसके साथ सिम इजेक्टर पिन और यहाँ अंदर इसमें इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका बैक कवर है। और ये रहा पोको X5 Pro। इसे ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन होता है हम बाकी बॉक्स को चेक कर लेते हैं कि इसमें और क्या मिल रहा है। यह इसमें 67 वॉट का फास्ट चार्जर और साथ में इसकी टाइप सी केबल। और अब हम इसके TPU केस को खोल लेते हैं। पोको X5 Pro के पीछे लगा ये स्टिकर हटा देते हैं ताकि इसकी खूबसूरती को हम और ज्यादा अच्छे से देख सके। इसका ब्लैक और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी खूबसूरत लग रहा है। येलो कलर की रियर साइड पर ब्लैक कलर का कैमरा मॉड्यूल, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अब ऑन हो चुका है ये और इसके राइट साइड इसके ऑन ऑफ बटन और इसका वॉल्यूम रॉकर है। इसके ऊपर इसका माइक, स्पीकर ग्रिल और 3.5mm जैक है। इसके नीचे की साइड इसका सिम ट्रे, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर नजर आ रहा है। दोनों साइड स्पीकर होने का मतलब है कि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का मजा मिलने वाला है। अब इस फोन से जुड़े 10 ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है? तो इसका जवाब है कि इसमें प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन इसमें 8 कोर में से एक 2.4GHz क्लॉक स्पीड के साथ है, 3 कोर 2.2GHz और 4 कोर 1.9GHz की क्लॉक स्पीड के साथ आते हैं। और अब अगला सवाल, इसमें स्टोरेज कितनी है और कैसी है? स्टोरेज के मामले में ये दो वेरिएंट के साथ आता है, 6GB और 8GB LPDDR4X RAM के साथ है ये। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB और 256GB है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये UFS 2.2 है, यानी कि स्टोरेज ट्रांसफर की स्पीड आपको अच्छी मिलती है। अब अगला सवाल, इसमें OS कौन सा है और उस पर अपडेट कितने मिलेंगे? OS इसमें Android 12 पर बेस्ड MIUI 14 है। और अगर अपडेट्स की बात करें तो आपको 2 साल तक के Android OS अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल तक के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब अगला सवाल, क्या इसमें दोनों सिम 5G को सपोर्ट करेंगे? तो जी हाँ, इसमें दोनों सिम 5G को सपोर्ट करेंगे। अब अगला सवाल इसके डिस्प्ले को लेकर है, क्या इसका डिस्प्ले एमोलेड है? तो जी हाँ, इसका डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है और ये 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और ये 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 240Hz टच सैम्पलिंग रेट को सपोर्ट करता है। अब अगला सवाल, इसमें कैमरा कौन कौन से हैं? तो इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और ये f1.9 एपर्चर के साथ है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का है और f2.2 एपर्चर के साथ है और ये 120 डिग्री वाइड है। और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल मैक्रो है जो कि f2.4 एपर्चर के साथ है। अब बात आती है, क्या इससे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें आप 720 पिक्सल पर 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम पर सेकंड और 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन पर 120 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगला सवाल 4K रिकॉर्डिंग को लेकर है, गुड, क्या इसमें 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें फ्रंट कैमरा कौन सा है और इसमें नाइट मोड है या नहीं?
तो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और नाइट मोड इसमें दोनों कैमरा में ही है, फ्रंट कैमरा में भी और रियर कैमरे में भी। साथ ही एक चीज़ मैं और आपको बता देना उचित समझता हूँ, और वो ये कि आप टाइम लैप्स वीडियो रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से बना सकते हैं।